नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। प्रदेश की योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 6.90 लाख करोड़ के बजट से हर क्षेत्र को साधने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष को उनका बजट रास नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस राज्य में बिजली महंगी हो वहां क्या उद्योग लगेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि आज यूपी में इज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, इज ऑफ डूइंग क्राइम है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में एमएसएमई सेक्टर को बर्बाद कर दिया है। बजट पेश होने के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बजट पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इस बजट में कुछ भी नया नहीं है, पिछले बजट को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार दावा करती है कि इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, वे इन्वेस्टर्स वही हैं जो मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और जहां भी समिट होती है वहीं जाते हैं। यूपी ऐसा क्या पैकेज दे रहा है जो वो यहां आएंगे? आज बिजली महंगी है तो कोई उद्योग क्यों लगाएगा? अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार इज ऑफ डूइंग बिजनेस का राग अलापती है, लेकिन आज नए उद्योगों के लिए जल्दी एनओसी भी नहीं मिलती है। यूपी में इज ऑफ क्राइम हो गया है। आप भी सुनिए आखिर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। उस इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए हम ये राहत दे रहे हैं, ये पैकेज दे रहे हैं, ये सहूलियत देंगे, इस बजट में कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। जहां बिजली महंगी होगी कोई कल्पना कर सकता है? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है। जो इन्वेस्टर यहां आ रहा है वो जरूरी नहीं कि केवल इन्वेस्टर यूपी में आ रहा है। अभी जब मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी वहां गए थे ये सभी इन्वेस्टर्स, महाराष्ट्र में यही इन्वेस्टर्स गए थे, उड़ीसा में भी होगा तो वहां जाएंगे, तमिलनाडु में होगा तो वहां जाएंगे, गुजरात में तो बड़ी तैयारी होती है इन्वेस्टमेंट मीट की, वहां जाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि यही इन्वेस्टर्स, यही उद्योगपति हर प्रदेश में जाते हैं, आपके पास क्या बेहतर है जो इन उद्योगपतियों को दे रहे हैं? क्या पैकेज है आपके पास, क्या इंसेंटिव्स हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट उन स्टेट्स में ना करके आपकी स्टेट में आएगा? और फिर इतनी बिजली महंगी होगी तो क्या कोई काम कर करके क्या कंपटीशन कर पाएगा जिससे कि आपके कारोबार चल सकें? और एमएसएमईज का बर्बाद कर दिया है सरकार ने, पता नहीं क्या सपना दिखा रहे हैं, बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, लेकिन जितनी भी हमारी माइक्रो इंडस्ट्री थी वो पूरी की पूरी ख़त्म कर दी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ख़त्म कर दी, मीडियम स्केल इंडस्ट्री के लिए कोई राहत, कोई पैकेज नहीं। कोई उम्मीद कर सकता है एनओसी का? अगर पॉल्यूशन बोर्ड का एनओसी चाहेंगे तो नहीं मिलेगा, फायर का एनओसी चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। तो क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है क्या? और कितनी बार ये वादा दिला चुके हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम है, ईज ऑफ डूइंग मुकदमा है। आप अगर बोल देंगे तो मुकदमा हो जाएगा, गाना गा देंगे तो मुकदमा हो जाएगा, सच दिखाएंगे तो मुकदमा हो जाएगा, सच दिखाने के लिए आप कैमरा ले जाएंगे तो कैमरा तोड़ देंगे, आप अगर तस्वीर खींच रहे हो तो हो सकता है आपके चेहरे तक पहुंच जाए। ये हालत है इस सरकार में। वहीं दूसरी ओर बसपा सुप्रीमो मायावती भी योगी सरकार के बजट से नाखुश दिखी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, यूपी सरकार द्वारा सदन में आज पेश बजट जनहित व जन कल्याण का कम एवं लोकसभा चुनाव स्वार्थ को लेकर पुनः वादों का पिटारा ज्यादा लग रहा है। क्या इस अवास्तविक बजट से यहाँ की जनता का हित व कल्याण तथा भारत का ग्रोथ इंजन बनने का दावा पूरा होगा? ये सवाल है। कर्ज में डूबी यूपी को भ्रमकारी नहीं रोजगार युक्त बजट चाहिए। यूपी भाजपा सरकार अपनी बहु प्रचारित घोषणाओं, वादों व दावों का ध्यान में रखकर यहाँ महंगाई से त्रस्त लगभग 24 करोड़ जनता की गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, पिछड़ेपन एवं अराजकता आदि से उत्पन्न बदहाली को दूर करने हेतु अपनी कथनी एवं करनी में अंतर से जनता के साथ विश्वासघात क्यों कर रही? यूपी सरकार द्वारा लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर नए भ्रमकारी वादे व दावे करने से पहले पिछले बजट का ईमानदार रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने नहीं रखने से ये स्पष्ट है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार में प्रति व्यक्ति आय व विकास की जमीनी हकीकत मिथ्या प्रचार व जुमलेबाजी बजट ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टुडे। नमस्कार।